चलिए अगला देखते हैं प्रश्न था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। देखिए आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी का नाम आंध्र प्रदेश के केकु चेलपुरम नामक गांव से हुआ। कहाँ से हुआ था? केकु चेलपुरम नामक गांव से लिया गया था। विशेषता दारू लघु नृत्य के साथ मुख्य पात्र का परिचय है। सोलाकत पतझरा ऋत भाग, कुबत्तम ऋत भाग और मानव शरीर के संसारी घटकों का प्रकट करता। प्रतिपादक कौन? यामिनी कृष्ण मूर्ति, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, लक्ष्मी नारायण रेड्डी। कुचिपुड़ी को कौन कौन? यामिनी कृष्ण मूर्ति, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, लक्ष्मी नारायण रेड्डी। यानी रेड्डी वाला कौन है? कुचिपुड़ी। यामिनी कुचिपुड़ी नृत्य में कौन कौन होते हैं? यामिनी कृष्ण मूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? तो मुंडरी। मुंडरी कहाँ का? मिजोरम राज्य का नहीं है। मुंडरी नृत्य मुंडा जनजाति, मुंडरी नृत्य पूछेगा कौन से जनजाति द्वारा? मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला ओडिशा झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। ओडिशा में, क्योंकि झारखंड में मुंडा जनजाति है। बिरसा मुंडा कहाँ से थे? झारखंड से। मुंडारी जनजाति के अन्य नृत्य जादूर, और जादूर, नीर जदूर, जरगा, और जरगा, जातरा, जापी, गेन्ना, चितिड़। यानी जादूर, और जादूर, नीर जदूर, जरगा, और जरगा, जात्रा, जापी, गेन्ना, चितिड़ आदि कहाँ कहाँ है? तो ये मुंडे जनजाति के है। मिजोरम लोक में बताएगा खुल्लम। खुल्लम होता है कैसा? जो मेहमानों का स्वागत के लिए किया जाता है खुल्लम रे। जो कहाँ का? मिजोरम का। चेराब, सरलाम काई, सोलकिया, सोलकिया, रल्लू लाम, पावी और मारा समुदाय। चैलम, चैलम भी कहाँ का है? मनी मिजोरम का है। च्योंगलाइजम, चेराब कहाँ का है? बांस पर चलने वाला ही मित्र है, बांस पर जो चलता है। छी लतम, तलंगलम, जंग तालम। जंग तालम कहाँ का है? मिजोरम का। कहाँ का है? मिजोरम का। जंग तालम, देखिए जंग तालम, तलंगलम, छीलम, छीलम, चुआंग, चुआंगलाइजोन, पावी समुदाय के द्वारा, चैलम, पावा और मारा समुदाय के द्वारा, सालम, सरलाम काई, खुल्लम। तो ये मेहमानों का नृत्य है। तो निम्नलिखित में कौन सा मिजोरा कौन है? चैलम है, जंग तालम है, चेराब है, मुंडरी नहीं है। अगर लोक नृत्य होजीगिरी की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस भाग से है? तो होजीगिरी क्या चीज है? होजगिरी उत्तर पूर्व से। होजगिरी एक लोक नृत्य है जो ब्रू रियांग कबीले का, इसमें अनुसूचित जनजातियों में से एक है। त्रिपुरा से है। कहाँ से? त्रिपुरा से होजगिरी है। प्रदर्शन किया जाता है इसमें महिला एवं लड़कियों द्वारा। एक टीम में लगभग 4 से 6 सदस्य होते हैं। लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा में किया जाता है। झूम खेती को प्रदर्शन करता। त्रिपुरा का अन्य नृत्य बताइए, पूछा गया तो गारिया, झूम, ममिता, मशक सुमानी, लेवांग बुमानी, बिझू बांग्ला, चिराब, चिराब बांग्ला, बिझू बुमानी, लेवांग सुन, मशक सुमानी, ममिता, गौरिया, झूम। ये सारे कहाँ का है? त्रिपुरा का है। मतलब मोहिनीअट्टम किस देवता? मोहिनीअट्टम जानते हैं कि विष्णु भगवान अवतार लिए थे। तो मोहिनीअट्टम है जो विष्णु भगवान के केरल से संबंधित है। या विष्णु की स्त्री नृत्य की कहानी सुनाता है। विष्णु के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। कुछ लेखनी मोहिनीअट्टम सुनंदा नायर है। मोहिनीअट्टम से कला मंडल, कल्याणी कुट्टी अम्मा, मोहिनीअट्टम की माँ कहा जाता है। किनको कहा जाता है? कल्याणी कुट्टी अम्मा को।
जयप्रभामेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी, गोपिका वर्मा जय। कथकली में भगवान कृष्ण से संबंधित है। देखिए, मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु से, कथकली भगवान कृष्ण से। भरतनाट्यम किससे संबंधित है? तो भगवान शिव से। कथक, कथक कौन करते हैं? कथक मतलब कृष्ण, कथक मतलब क से कृष्ण। भरतनाट्यम मतलब भगवान कौन है? शिव। नाट करते, नाट्यम कौन करते हैं? तो शिव जी करते हैं। मणिपुरी मतलब राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी है। मणिपुरी में क्या होता है? भगवान कृष्ण और राधे की क्या है? प्रेम की कहानी। कुचिपुड़ी में भगवान कृष्ण के, कुची क से मतलब क्या आ जाएगा? कृष्ण भगवान की है। ओडिसी मतलब हिंदू भगवान शिव और सूर्य कथ ओडिसी सूर्य के बारे में। ओडिसी मतलब भगवान शिव और सूर्य। ओडिसी, ओडिसी में किनका किनका? सूर्य और भगवान का, और किनका? भगवान शंकर का। कथक में हिंदू देवी देवताओं के बारे में नैतिक कहानियाँ। कथक में सतरिया में क्या है? कृष्ण भगवान का सतरिया, कृष्ण भगवान का, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य किया जाता है? तो यह भील जनजाति के द्वारा। भील द्वारिकारा की जनगणना का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? तो भील है। द्वारिकारा की जनसंख्या के अंदर भील जनजाति कहाँ कहाँ आती है? महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। गौंड जनजाति कर्म नृत्य करती है। पूछेगा गौंड कर्म नृत्य कौन करती है? तो गौंड जनजाति है। सहरिया जनजाति लहंगी नृत्य कौन करती है? लहंगी नृत्य, तो सहरिया जनजाति है। चारी नृत्य कौन करती है? गुर्जर जनजाति। चारी नृत्य कौन करती है? गुर्जर जनजाति, ये बात भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? तो एडक्का। एडक्का मोहिनीअट्टम में प्रयुक्त वाद्य यंत्र मृदंग या मधलम, बैरल ड्रम, एडक्का, आवर ग्लास ड्रम, बांसुरी, बीना और कुजी तालम, झांझ। नागड़ा का प्रयोग, नागड़ा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पंजाबी में किया जाता है, नागड़ा बना, और राजस्थानी लोक संगीत में किया जाता है। धूमसा, धूमसा उड़ीसा के, धूमसा कहाँ किया जाता है? उड़ीसा के सराइकुल छऊ नृत्य, छऊ नृत्य, और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ नृत्य में प्रयोग किया जाता है। उड़ीसा के कौन का? सराइकेलु नृत्य, और पश्चिम बंगाल के कौन है? पुरुलिया छऊ नृत्य में प्रयोग किया जाता है। किसका? तो धूमसा का। सितार का प्रयोग उपयोग तंबूर, ड्रोन, ल्यूट और तबला ड्रम के साथ एक एकल वाद्यंत्र के रूप में पहनावे के साथ साथ उत्तरी भारतीय कथक नृत्य के लिए किया जाता है सितार। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छा हुआ था, ये भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छा। निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों के नृत्य कहा जाता है? तो कथक को। कथक को क्या कहते हैं? कथावाची। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक का विकास हुआ। कथकली कहाँ का है? केरल का, जिसे पूर्व में गीत भी कहा जाता है, यानी बैलेड ऑफ द ईस्ट। अलग अलग चेहरों के रंग अलग अलग मानसिक अवस्थाओं और चरित्र को दर्शाते हैं, जैसे हरा, बड़कपन, काला, ये सारे किसमें कल धब्बे रॉयलिटी थी, बुराई का संयोजन। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, नर्तक रकुड़ी, सिर पर आभूषण, चंद्रबंकी आर्म बैंड। चंद्रबंकी का आंध्र बैंड, चंद्रबंकी आर्म बैंड, नर्तकी स्कूडी, सर पर आभूषण, अड्डा भाषा, कसीना सारा हार, कसीना सारा हार, अड्डा भाषा, चंद्रबंकी आर्म बैंड, नर्तक स्कूडी, सिर पर आभूषण, जिसे गहनों का उपयोग करते हैं। ओडिसी नृत्य काफी हद तक राधा कृष्ण के क्या प्रेम से संबंधित है? ओडिसी यहाँ पढ़े थे ना, ओडिसी किससे संबंधित है? भगवान ओडिशा की। ओडिसी नृत्य है जो प्रेम से संबंधित है काफी राधा कृष्ण के। लैंड निम्नलिखित कौन सा नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध का दर्शाता है? तो डांडिया रास। डांडिया रास क्या है? गुजरात का है, जो नवरात्रि के दौरान किया जाता है। गुजरात में नृत्य गरबा भी होता है, घेरिया होता है। डांगे नृत्य कहाँ का है? तो गुजरात का मट्टू कड़ी, सिद्धि धमाल, टिप्पानी और हुडो शामिल है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। रासलीला उत्तर प्रदेश का। कालबेलिया राजस्थान, जिसको 2010 में क्या हुआ था? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो गरबा, घोरिया, डांगे नृत्य, मट्टुकुडी, सिद्धि धमाल, टिप्पानी, ये सारे कहाँ का है? हुड्डो, ये सारे गुजरात का। कौन से नृत्य शैली बिहू नृत्य से संबंधित है? बिहू नृत्य किससे? सतरिया से। सतरिया क्या है? बिहू, बगुरम्बा, भोरताल, ओजापाली, असम का ओजापाली, असम का, मणिपुर का मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। सतरिया नृत्य के संस्थापक इनको जानते हैं? शंकर देव को। आगे देखते हैं बिहू नृत्य का मुख्य बोहाग बिहू महोत्सव, जिसे रंगोली भी, बोहाग को क्या बोलते हैं? बोहाग मतलब रंगोली बिहू भी कहा जाता है। असम का राष्ट्रीय त्यौहार में से लिया जाता है, जो असमिया नव वर्ष मनाया जाता है।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम किया जाता है, तो झूमर। झूमर क्या कुड़सी समुदाय झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है? झूमर कुड़सी समुदाय का झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य। झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य संथाली। संथाली झारखंड का लोक नृत्य है। मर्दाना झूमर, जननी झूमर, डोमकच। डोमकच, मर्दाना, जननी झूमर, डोमकच, फगुआ, छऊ नृत्य। यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का, बर्दी गांव का, दमन और दीव का। बर्दी, बर्दी गांव, बर्दी गांव कहाँ का है? दमन और दीव का। यक्षगान कर्नाटक का। मर्दाना, जननी झूमर, डोमकच, फगुआ, छऊ नृत्य, मर्दाना, जननी ढोंग, ये सारे कहाँ का है? तो यहाँ झारखंड का है। खेती के मौसम में झूमर करते हैं, झूमर। यक्षगान तो बोल दिया कर्नाटक का। बर्दी गांव कहाँ का? तो बर्दी गांव ये दमन और दीव का है। निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगानियों चाय बगानों में काम करने वाले द्वारा की असम का नृत्य है? तो झूमर। झूमर नृत्य लोक नृत्य है। असम के नृत्य लोक नृत्य बहुन नृत्य कोरी अली अली गांग नृत्य कहाँ का है? तो असम का देवदानी नृत्य कहाँ का? असम का बारपेटा नृत्य, बारपेटा का भोरथल नृत्य, असम का धुलिया और भवारिया, बोडो का बुगुरम्बा खमलिम, बोडो का बुगुरम्बा खमलिम, धुलिया, भवारिया, असम का। और शास्त्रीय नृत्य में भोना ओजापाली, भोना ओजापाली और सतरिया नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को में कौन कौन आता है? भोना ओजा घाली और सतरिया नृत्य। महासु नृत्य में हिमाचल प्रदेश का महासु नृत्य पूछेंगे। महासु नृत्य कहाँ का है? तो यह हिमाचल प्रदेश का, एचपी। लंबाड़ी नृत्य कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। करगा नृत्य पूछेगा तो कर्नाटक का। महासु नृत्य बोलेंगे तो हिमाचल प्रदेश, लंबाड़ी आंध्र प्रदेश का। करगा नृत्य कर्नाटक का। झूमर नृत्य कहाँ का? चाय बगानों द्वारा, ये असम का है। असम में चाय होता है ना, वहाँ से। बिलासिनी नाटक और बीरा नाटक निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? बीरा नृत्य से आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में बिलासिन नाटक और बीर नाटक आंध्र प्रदेश से। बिलासिनी और बीरा नाटक आंध्र नाटम, भामा कल्पम, बुरा कथा, बुट्टा बुम्माल, बुम्मालु, बुरा कट बुरा कथा, बुरा कथा, बुट्टा बुम्मालु, थोलू बोमलता, थोलू बोमलता, तप्ता गुल्लू, तप्ता गुल्लू, लंबाड़ी, धीमसा कोलाटम, धीमसा कोलाटम, तप तप तप्ता गुल्लू, लंबाड़ी, धीमसा बोमलाटा, सारे कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध त्यौहार में पोंगल, उगादि। उगादि कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। विनायक चतुर्थी, विशाखा उत्सव, तिरुपति, तिरुमाला, बरोत्सव, ब्रह्मोत्सव, लुम्बिनी उत्सव, लंबिनी उत्सव, ब्रह्मोत्सव, तिरुमाला, विनायक, ये सारे आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो वीरनाट्यम कहाँ कहाँ गया? आंध्र प्रदेश का। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल के नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता का उपयोग किया जाता है? पुंगचोलम। पुंगचोलम जिसका अर्थ है ड्रम का गर्जन, यानी मणिपुर संकीर्ण संगीत और शास्त्रीय मणिपुर नृत्य की आत्मा। यह नृत्य पुरुषों महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है, और आमतौर पर रासलीला में प्रस्तावन होती है। इसमें मणिपुर मार्शल आर्ट, थांग था मार्शल आर्ट पूछेगा। मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है? तो थांगता बोलेगा। और सरित सरक और पारंपरिक मैवी जगोई, मैवी जगोई नृत्य के तत्व शामिल है। लुईबत में फेजॉक, मणिपुर के तांगखुल। लुईबत 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 फेजॉक, मणिपुर के तांगखुल, नागा समुदाय का सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से। मणिपुर का सीमलैम नृत्य, फ्लाई डांस, रोंगमाई समुदाय का पारंपरिक नृत्य है फ्लाई डांस। फ्लाई डांस मणिपुर के सीमलैम के द्वारा। सीमलैम का रंगोई समुदाय का पर सीमलैम, सीमलैम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली के घराना नहीं है? तो इलाहाबाद है, जयपुर, बनारस, रायगढ़, इलाहाबाद। जयपुर घराना के संस्थापक कौन है? भानु जी महाराज। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो इसके भानु जी महाराज। प्रतिपादक है सुंदर प्रसाद, पुरु दधीचि, मंगला भट्टा, मंगला भट्टा, पुरु दधीचि, सुंदर प्रसाद, सुंदर प्रसाद, पुरु दधीचि, मंगल भट्टा। बनारस घराना के प्रतिपादक पंडित राम साहब, पंडित राम साहब। प्रतिपादक सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, कमली अस्थाना, सितारा देवी। यह काम बनारस घराना का पंडित रमा सारा। रायगढ़ घराना को बोलेगा तो संस्थापक राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ के। लखनऊ घराना का प्रतिपादक लक्ष्मू महाराज, शंभू महाराज, माया देवी, देवंती जोशी, बिरजू महाराज, लखनऊ घराना का।
प्रतिपादक हैं लक्ष्मण महाराज, शंभु महाराज, ये सारे माया देवी दमयंती, बिरजू महाराज। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो धीमसा। धीमसा कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। एक आदिवासी नृत्य। झारखंड में लोक नृत्य कौन कौन है? जामदा, जामदा, करमा, पाइका, जननी, झूमा, डोमचक, डोमकच, करमा, लहसुआ, झूमता, फगुआ, पाइका, छऊ, फिरकल, मुंडारी और संताली। संताली कहाँ का? संताली झारखंड का। मुंडारी झारखंड का। फिरकल झारखंड का। छऊ फिरकल छऊ झारखंड का। पाइका, फगुआ, झूमता, लहसुआ, लहसुआ, करमा, डोमकच, झूमर, जननी, जामता। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उन महिलाओं को व्यथा को दर्शाता है जिसमें जीवन साथी घर से दूर रहते हैं? तो ये किसका है? तो यह बिरहा नृत्य में, बिहार के प्रसिद्ध नृत्य बिरहा में, जिसमें होता है कि जीवन साथी को घर से दूर रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस व्यथा को दर्शाया गया। तो जट जटानी, बाखो बखान, पमरिया, समा चकवा, विदेशी आदि। बिहार में देखिए बिरहा होता है, जट जटानी, बिरहा क्या होता है, प्रेमी जीवन साथी की व्यथा को दर्शाता है। जट जटानी, बखो बखान, पमरिया, समा चकवा, विदेशी आदि। मध्य प्रदेश का मटकी है। अलकप झारखंड का। मटकी कहाँ का? मध्य प्रदेश का। अलकप कहाँ है? झारखंड का। पाइका कहाँ है? उड़ीसा का। निहांग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक निहांग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गत्तक, जिसका इस्तेमाल इस आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है। भारत के निम्न गत्ता, गत्ता जैसे आएगा पंजाब। भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपट्टम। कलारीपट्टम कहाँ का है? भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, जो केरल में सिलम्बम, सी लम्बम, ये कहाँ का? तमिलनाडु का है। थांगटा और सरित मणिपुर का है। थांगटा मार्शल आर्ट है और सरित सर कहाँ का? मणिपुर का। थोड़ा थोड़ा कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। गतका कहाँ? पंजाब का। लाठी भी पंजाब और बंगाल का है। इन बुआन कुश्ती मिजोरम का है। पूछेगा इन बुआन, पूछेगा इन बुआन कुश्ती कहाँ का? मिजोरम का है। मुष्टि युद्ध वाराणसी, मुष्टि युद्ध वाराणसी, अहिमान मणिपुर का। परिखंडा बिहार का। इन बुनवान कहाँ का है? मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का। क्या आंसर है? इन बुआन कुश्ती। मणिपुर माने मी आएगा ती, कुश्ती इवान, इवान। हेलो मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य शैली? मुनियाट्टू केरल की। मुडियट्टू केरल के, जैसे मुडियट्टू, भगवती पट्टू, तोल पाव कुथु, पाव कथकली, चबिट्टू, नादकम, ओपना कथकली, मार्गम काली, दफ मुट्टू, कुडियाट्टम, कोलकली, परिचामुटकली, चाक्यारू कथु, कृष्णमट्टम, कुम्माति कली। तो केरल को कौन कौन है? मुडी एट्टू, भगवती पट्टू, तोल पाकवथु, तोल पाबु कुथु, तोल पाबु कुथु, पाव कथकली, चबिट्टू, नादकम, उपना। उपना कहाँ का? केरल का। कथकली, मार्गम कली, दफ मुट्टू, कुड़ी आट्टम, कोलकाली, परिचामुटकली, चाक्यारकूथु, कृष्णदम, कृष्णमकुट्टम, कुम्मातुकोली। कहाँ का? ये सारे केरल का। ला एल्ले ला का काराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो यह केरल का। भारत के आठ जनजातियों नृत्य में एल्ले का काराड़ी नृत्य केरल का है। संथाली नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। संथाली पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। बांस नृत्य मिजोरम का, चीज को चिराब बोलते हैं। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश का। भगोरिया कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। देखिए छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा का भी है, और इसमें संथाली नृत्य भी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ढीमसा आंध्र प्रदेश का। साध सुख म्यूनिस मेघालय का। साध सुख मैंसिस 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 मतलब मेघालय। मतलब भगवान खंडोबा से जुड़ा
बाद मुरली मूल रूप से निम्न किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र है। कौन कौन? बाद मुरली नृत्य। बाद मुरली नृत्य किसे भगवान खंडोबा से जुड़ा? बाद मुरली नृत्य राज महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य में लावणी, कोली नृत्य, धंगारी गाजा, पोपदास नृत्य, तमाशा, डिंडी कला। डिंडी कला, तमाशा, तमाशा तो बहुत प्रचलित है। पोपदास, धंगारी गाजा, कोली नृत्य, लावणी। तो बाद मुरली किससे है? तो महाराष्ट्र है। राउत नाच भारत के एक राज्य के अधिकतर दिवासियों में क्या जाता है? निम्नलिखित में राउत नाच छत्तीसगढ़ में। राउत नाच छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जिसे भगवान कृष्ण के वंशज माने जाने वाले यादवों द्वारा किया जाता है दिवाली के तौर पर देवउधनी एकादशी के दौरान। देवउधनी। आगे देखिए राउत। संगरई। संगरई भारत के किस राज्य में? संगरई त्रिपुरा में। संगरई, संग राई। बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत महीने अप्रैल के दौरान संगराई में आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। कहाँ का? त्रिपुरा का। ईद के तमिल देवता मुरुगन को औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कवादी ओट्टम। कवादी ओट्टम का त्यौहार शाब्दिक अर्थ में वर्डन डांस एक धार्मिक लोक नृत्य जिसे तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार में तो कवादी ओट्टम कहाँ का? निम्नलिखित ईद तमिल द्वारा मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान कवादी उट्टम। कवादी उट्टम तमिलनाडु जिस तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है भगवान मुरुगन को है तमिलनाडु में कवादी उट्टम। कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो गंभीरा। पश्चिम बंगाल के चैत संक्रांतियों के दौरान गंभीरा नवाबपोश नृत्य है। स्थानीय सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ को मुखौटा बनाया जाता है। गिद्धा तो पता है पंजाबी का। गंभीरा क्या होगा? पश्चिम बंगाल का नकाबपोश है। कावाड़ी, काबड़ी। कावड़ी कहाँ का साथी हो? तमिलनाडु। टी एन मतलब तमिलनाडु। जावरा नृत्य कहाँ का है? जवारा नृत्य मटका भी यहीं का। जवारा नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का कबाड़ी कहाँ का बोलेंगे? तमिलनाडु का। काबड़ी, काबड़ी, काबड़ी। टी एन, टी एन मतलब तमिलनाडु। जवारा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समझते हैं? इसमें पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को पहले पहले क्या सदीर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। यह शक्ति से नाट शास्त्र पर आधारित है जिसकी उत्पत्ति मंदिर परिसरों के भीतर हुई है। एक ऐसा नहीं था भाग राग रस ताल। इसमें बताइएगा कि भाग भाव भी आता है, राग भी आता है, रस भी आता है, ताल को समाहित करता है। कर्नाटक प्रणाली से संबंधित कृष्णय्यर ने सबसे पहले सदीर नृत्य बोलेगा सबसे पहले भरतनाट्यम शब्द को किसने गढ़ा? तो कृष्णय्यर ने जो कर्नाटक प्रणाली से है। ये भी याद रखिएगा। भारत के पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश विदेश दोनों में? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में सोमेश्वर तीर्थी है। बोलेगा सोमेश्वर तीर्थी द्वारा लिखित कन्नड़ पाठ मानसोल्लास। मानसोल्लास में नृत्य का रूप का भी संक्षेप मिलता है किसमें? तो मानसोल्लास में। भरतनाट्यम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मतई लोगों के वैष्णव मतों से जुड़ा? मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य मतई मतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ। छऊ नृत्य मार्शल आर्ट और परंपराओं के एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। छऊ नृत्य अर्थशास्त्रीय नृत्य मार्शल आर्ट का। सत्तरिया नृत्य एक नृत्य रूप प्रदर्शन का है। सत्तरिया नृत्य बोलेगा प्रदर्शन का क्या है? प्रदर्शन वाला कौन नृत्य है? तो सत्तरिया नृत्य जिसकी उत्पत्ति असम के केंद्र शासित प्रदेश वैष्णव मत मठों में हुई थी। कुचिपुड़ी एक नृत्य नाट प्रदर्शन है जिसमें जड़े नाट शास्त्र में से प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ है। निम्नलिखित कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? कथक। कथक या प्राचीन उत्तर भारत उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य है। भारत में प्रसिद्ध कथक नर्तक कौन कौन है? भारती गुप्ता, बिरजू महाराज। भारती गुप्ता, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गादास, कुमुदिनी लखिया, शंभू महाराज, सितारा देवी। सितारा देवी, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गादास, कुमुदिनी लखिया, भारती दास, बिरजू महाराज। ये सारे कहाँ से साथी हो? ये सारे हैं कहाँ से? कथक से हैं। जो कथक उत्तर प्रदेश का नमूना नॉर्थ का रीजन। भारती दास, दुर्गादास, कुमुदिनी लखिया, शंभू महाराज, सितारा देवी। आगे देखें निम्न से कौन सा इसको का द्वारा मानता पर कालवेलिया। पता है कि कालवेलिया क्या होता है? 2010 में इसको मानता पर भांगड़ा तो पता है पंजाब का, दलखैया दलखैया उड़ीसा का, गिद्दा भी पंजाब का। उम्मटाद बताइएगा कुर्ग में किया जाने वाला एक नृत्य। उम्मटाद कुर्ग में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। कर्नाटक के कई अन्य पारंपरिक नृत्य जिसमें डोल डोल कुनुथिया। कर्नाटक में कौन है? डोल कुनुथिया, सुग्गी कुनुथिया, कामसाले, गोरवा कुनुथिया, सोमना कुनुथिया, बोलक
बोला का कोम बात भूत आराधने यक्षगान नागा मंडला बिरगासे बिरगासे कर्नाटका नागा मंडला कर्नाटका भूत आराधने कोमवत आठ कोमवत भूत अन बोलक आठ कुनथिया सोमना कुनथिया कुने गोरवा कुनथिया कमसाले कुनथिया सुग्गी कुनथिया डोल कुनथिया ये सारे कर्नाटक का। एक नट्टू बनार एक खालिस्तान नृत्य गायन का आयोजित करता है। नट्टू बनार भारत नाट्यम नट्टू बनार भारत नाट्यम नृत्य का आयोजन करता है। नट्टू बनार शब्द एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो नृत्य नृत्य गुरु संगीत संवाहक और मुखर तालवादक की क्षमता में देवदास नृत्य के साथ है। तो एक नट्टू बनार एक भरतनाट्यम नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु दक्षिण भारत कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का उड़ीसा उड़ीसी का कथक उत्तर प्रदेश का। खालिस्तान मिनिकॉय द्वीप का एक देखिए लावा लावा मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो लावा मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है लावा। ठीक है। नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य लेसल पत्तू अलियट्टू मोयासाई लेसल पत्तू नागालैंड का अल्लू या टू अल्लू या टू मोया साई अल्लू या टू मोया साई मुड़ से बांसनेत अगुर सिकुला मुड़ से बांसनेत अगुर सिकुला तितले नृत्य सदल के कई चंगाई नृत्य कुकी नृत्य खम्बलिम खम्बालिम मयूर नृत्य मुन्यासो रेंगमा सीचा और कुकई काचो संकायुध नृत्य और जिलियांग नृत्य सारे कहाँ कहाँ। तो यह है नागालैंड का। तो लावा हमारे यहाँ पर सही होगा लेकिन नागालैंड की एक बार पता है लेसल पत्तू अलियट्टू मोयासाई मोडसे बासनेत अगर सिकुला। और क्या हुआ तितलिन रेत सदल के कई चांगाइन रेत कुकेन रेत खंबा लिम खंबा बोलेगा कहाँ का तो नागालैंड का। मयूर नीत बोलेगा तो नागालैंड का। मोनी आसन नीत बोलेगा तो नागालैंड का। रंगवान बोलेगा सीचा बोलेगा कुकोई बोलेगा कुचो बोलेगा संकाई बोलेगा इंदु नीत बोलेगा जेलियांग जेलियांग। ये वाला देखिए इसमें अलुवाटू लेसल पित्तू ये सारे क्या इंपॉर्टेंट है। तो इतना सारे था हमारा इसमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसल पत्तू है अलुवट्टू है मोयासाई है रूम मोड से बासनेत अगुर सिकुला तितली नृत्य सदल के कई चंगाई नृत्य कुके नृत्य खम्बाली मयूर नृत्य मोनियासे रिंगमा सीचा कुकई कांचो संकाई युद्ध नृत्य जिलियांग ये सारे कहाँ का है नागालैंड। खालिस्तान दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। तो कुम्मत किले दक्षिण मालाबार का एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है। कुम्मती किले त्रिशूल केरल का त्रिशूल किसका केरल का। धनगर धनगर क्या नवरात्रि के दौरान गोवा चरवाहा समुदाय द्वारा धनगर कहाँ है गोवा चर के द्वारा चरवाहा समुदाय के द्वारा चरवाहा समुदाय के द्वारा। कुमत किले दक्षिण मालाबार हुआ ना के प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य त्रिशूल केरल का। परिचिकली लक्षद्वीप का एक प्रांत परिचिकली कहाँ का लक्षद्वीप का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पदयानी या पेडिनी पदयानी या पेडिनी कहाँ का केरल का। कुम्मी या कोल्टम तमिलनाडु का। पदयानी या पेडिनी कहाँ का केरल का। कुम्मी या कोल्टम की बात करें तो तमिलनाडु का। कुम्मी कोल्टम तमिलनाडु का। करगम या पुल्लीवेसम तमिलनाडु का। करगम या पुल्लीवेसम कहाँ का तमिलनाडु का। करगम या पुल्लीवेसम कहाँ का तमिलनाडु का। और कुम्मी कोल्टम भी तमिलनाडु का है। निम्नलिखित में किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया गया। तो धनगरी गाजा नृत्य में ये नहीं चरी नृत्य में सॉरी चरी नृत्य में सिर पर चरी नहीं देखिए चरी नृत्य में महिलाओं द्वारा चरी नृत्य ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दियों पर सब प्रदर्शन किया जाता है। कोली नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। कोली नृत्य कहाँ का है कोली नृत्य दिया था ना कोली नृत्य के बारे में बोला कि महाराष्ट्र का है। तो चरी नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर हुए जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। कोली नृत्य कहाँ का महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य। दंगारी गाजा महाराष्ट्र का उनके भगवान दंगारी गाजा महाराष्ट्र का कोली नृत्य महाराष्ट्र का। दंगारी गाजा महाराष्ट्र उनके भगवान को उनका आशीर्वाद के लिए खुश करने के लिए किया जाता है। तमाशा महाराष्ट्र का एक रंगमंच नृत्य बोलेगा रंगमंच नृत्य कौन सा है तो तमाशा है कहाँ का है तो महाराष्ट्र का। दंगारी गाजा क्या आशीर्वाद के लिए खुश करने के लिए किया जाता है। कोली नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है।
चरी निधि स्थानीय महिलाओं द्वारा एक चरी या बर्तन में पानी इकट्ठा करने की कला का वर्णन करते हैं। चरी निधि कहाँ का, राजस्थान का। खालिस्तान एक ऐसा नृत्य है जो भूषण मायम और शुद्ध नृत्य से जोड़ता है। तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी एक नृत्य है जो भूषण मायम और शुद्ध नृत्य से जोड़ता है। कुचिपुड़ी आठ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचि नामक जो क्या क्या भूषण मायम और शुद्ध नृत्य से जोड़ता है। कुचिपुड़ी दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला भीगासन नृत्य कहाँ का है, तो कर्नाटक का। दशहरा उत्सव के दौरान भीगासन नृत्य कर्नाटक राज्य का श्रावण या कार्तिक के दौरान किया जाता है। रठवानी घर गुजरात के रठवा जनजातियों द्वारा कब किया जाता है, होली में। रठवानी रठवा समुदाय द्वारा घर में होली के दौरान किया जाता है, ये याद रखिएगा। रठवानी रठवा दक्षिण भारतीय गुजरात के पहाड़ी क्षेत्रों में अपने जीवन संस्कृति के लिए किया जाता है। तो रठवा कहाँ का है, ये हो जाएगा कहाँ का, रठवा होली के समय में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ज़्यादा चैनल।